जनपद में 22 फरवरी से सीसीटीवी की निगरानी में 206 परीक्षा केंद्रों पर शुरू होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। जुबली इंटर कॉलेज में बने कंट्रोल रूम से सभी कॉलेजों में लगे सीसीटीवी के माध्यम से रखी जाएगी सभी छात्रों पर नजर। नकल करते पकड़े जाने पर की जाएगी कठोर कार्यवाही। गोरखपुर की सिविल लाइन्स की रहने वाली पूनम सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भू माफियाओं के द्वारा मेरी जमीन पर किया जा रहा है कब्जा, प्रशासन से लगाया न्याय की गुहार। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने संभव दिवस के तहत निगम के सभागार में की जनसुनवाई, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन, फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर हलसीगंज के नागरिकों ने मार्केट में खुल रहे शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर एडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन, दुकान को बंद कराने की मांग। अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले अभियुक्त ईश्वर चंद की 3 करोड़ की संपत्ति को तहसीलदार चौरी चौरा व थाने की पुलिस ने किया जब्त, एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी।